नमस्कार। अभी कुछ समय पहले आपने समाचार सुना होगा कि चीन ने टियर गैस छोड़ी है। नेपाल की जो टीम गई थी वहां पे कांग्रेस पार्टी की शायद, उनके ऊपर चीन ने आंसू गैस छोड़ी। लेकिन इस समाचार को नेपाल की मीडिया ने या बहुत ही कम मीडिया ने दिखाया और भारत की मीडिया ने इसे ज्यादा दिखाया, नेपाल की मीडिया ने इसे बहुत ही कम दिखाया। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि नेपाल में चीन का विरोध नहीं किया जा सकता है। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि नेपाली मीडिया में चीन का विरोध बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। कोई इक्का दुक्का मीडिया जरूर है ऐसी जो चीन का विरोध दिखा सकती है, नहीं तो नेपाल में कोई ऐसी मीडिया नहीं जो चीन का विरोध करे। इसका मुख्य कारण क्या है कि नेपाली लोगों को पूरा भरोसा है चीन के ऊपर कि चीन हमारी भूमि को कब्जा नहीं करेगा। यानी नेपाल के लोग चीन के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं कि चीन हमारी जमीन कब्जा नहीं करेगा। और जब मीडिया, नेपाल की मीडिया यदि ये समाचार ज़्यादा दिखाती कि नेपाल की भूमि पर चीन ने कब्जा किया है तो उस मीडिया का विरोध चालू हो जाएगा और डिसलाइक आने लग जाएंगे, लोग उसको देखेंगे नहीं। यानी जो मीडिया नेपाल में चीन का विरोध करेगी उस मीडिया को लोग नहीं देखते हैं। अब चीन ने नेपाली भूमि कब्जा की, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, हमें नहीं जानकारी है। समाचार सुनेंगे तो हम यही जानते हैं कि चीन ने नेपाली भूमि कब्जा की और कुछ नेपालियों के ऊपर आंसू गैस भी छोड़ी है। ये तो समाचारों के माध्यम से हम जानते हैं लेकिन हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। और नेपाल की मीडिया इस बात को ज़्यादा नहीं बता रही है। और आपको पता होगी कि होगा कि मीडिया केवल अपने व्यू के लिए काम करती है, मीडिया को देश से कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी मीडिया हो, कोई भी विश्लेषक हो, वो केवल चाहता है कि हमारी वीडियोज को लोग ज़्यादा देखें। उसके लिए वो देश हित की चिंता नहीं करता है, वो केवल अपने चैनल पे व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी विश्लेषण कर देते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। उनको केवल अपने चैनलों पर व्यू बढ़ाने होते हैं। इसलिए नेपाल की मीडिया में कोई भी विश्लेषक है वो यदि चाइना का विरोध करता है तो उस पर व्यू नहीं आएंगे, लोग उसको नहीं देखेंगे और ना ही पढ़ेंगे। इसलिए नेपाल में चीन के विरोध में वीडियो नहीं बन रही है। चीन ने जो नेपाली भूमि कब्जा की उस पर वीडियो नहीं बन रही है, बहुत ही कम बन रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सभी नेपालियों को ये भरोसा है, पूरा भरोसा कि चीन हमारी जमीन को कब्जा नहीं करेगा। अब यदि कोई मीडिया इस समाचार को दिखाती है कि चीन ने नेपाली भूमि कब्जा की तो नेपाल के लोग उस मीडिया को भारतीय दलाल कहना चालू कर देंगे और कहेंगे कि इस मीडिया ने भारत से पैसा खाया है और ये मीडिया चीन और नेपाल के संबंधों को खराब करना चाहती है। अब चीन ने नेपाली भूमि कब्जा की कि नहीं की हमें सटीक जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि चीन नेपाल की भूमि को कब्जा कर भी लेता है तो भी नेपाली मीडिया ये समाचार बहुत ही कम बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि नेपालियों को चीन पर पूरा भरोसा है कि चीन ऐसा नहीं करेगा। और यदि मीडिया वो समाचार बनाती है कि चीन ने ऐसा कर दिया तो उस मीडिया को तो गाली पड़ेगी, लोग देखेंगे ही नहीं। यानी नेपालियों को 100% भरोसा है चाइना के ऊपर कि चाइना नेपालियों की भूमि कब्जा नहीं करेगा। और जहां तक मेरा मानना है, देखिए नेपाल जब भी, हमने पहले भी कहा था कि नेपाल जब भी भारत या अमेरिका से अपने संबंध बढ़ाने की कोशिश करेगा तो चीन नेपाल की सीमाओं का अतिक्रमण करेगा, बिल्कुल करेगा, नेपाल पर प्रेशर बनाने के लिए। अभी ये बात नेपालियों को पता नहीं है, भारत और अमेरिका की जब दोस्ती होती है तो चीन भारतीय सीमा का अतिक्रमण करता है भारत पर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि भारत अमेरिका की तरफ ना जाए। इसी प्रकार चीन नेपाल के साथ बिल्कुल करेगा। यदि भारत के साथ या अमेरिका के साथ नेपाल अपने संबंध अच्छे बढ़ाने की कोशिश करेगा कि हमारे भारत और अमेरिका से अच्छे संबंध हो जाए तो चीन नेपाल की भूमि का अतिक्रमण 100% है करेगा। हम आपको बता चुके हैं कि नेपाल की भूमि की आवश्यकता चीन को बिल्कुल नहीं है, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं है, चीन के पास काफ़ी भूमि है। लेकिन
भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चीन को नेपाली भूमि की सख्त जरूरत है। चीन की पावर नेपाल में काफी ज्यादा काम करती है। जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो प्रधानमंत्री हैं ओली, ये दोनों लोग अमेरिका के कट्टर समर्थक थे और पीएम ओली भी, लेकिन दोनों के ऊपर चीन का पूरा प्रेशर है, इसलिए ये लोग चीन के पक्ष में बयान देते हैं। चीन अगर इनकी भूमि को सच में भी निगल लेगा तो भी ये नहीं कहेंगे कि चीन ने हमारी भूमि को कब्जा किया है। इस समय चीन की पावर नेपाल में बहुत ज्यादा काम कर रही है। जो नेता चीन के खिलाफ बोलेगा उसकी कुर्सी जाना लगभग तय है, उसकी कुर्सी चली जाएगी। इतनी पावर चीन की नेपाल में काम कर रही है, मीडिया से लेके और नेताओं तक। नेपाल में जो मीडिया के विश्लेषक लोग बैठे हैं वो केवल ये कहते हैं कि यहाँ भारत के एजेंट हर जगह घुस रखे हैं और भारत जो चाहता है नेपाल के नेता वही करते हैं। तो क्या नेपाली नेता भारत के बोलने पे भारत का विरोध करते हैं? आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओली भारत के कहने पर चलते हैं, तो प्रधानमंत्री ओली ने भारत के कहने पर नक्शा पास किया क्या? यानी नेपाल में जो मीडिया बैठी है वो भी कहीं ना कहीं चीन के प्रेशर में हमें नजर आती है और नेपाली नेता भी हमें चीन के प्रेशर में नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर चीन नेपाल की भूमि को कब्जा कर भी लेता है तो भी नेपाली नेता नहीं बोलेंगे और नेपाल की मीडिया भी नहीं बोलेगी। गलती है जनता में, वो आंख मूंज कर चीन के ऊपर भरोसा करती है नेपाली जनता, इसलिए वहां के नेताओं की ताकत नहीं है चीन के खिलाफ जाने की और वहां की मीडिया की भी ताकत नहीं है चीन के खिलाफ जाने की। अब नेपाली लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बात सच है, हमें सच बोलने दिया कीजिए। आपके प्रेशर के कारण हम आपको बहुत सारी सच्चाई बताने में दिक्कत हो जाती है हमको, क्योंकि आप लोगों का प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज्यादा है कि हम सच बात आपको बताने के लिए हमको बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हम सही बात आपको बताएंगे चीन के बारे में तो आप हमें गाली गलौज करोगे, इसलिए हम बहुत सारी बातें हम छुपा देते हैं। तो दोस्तों हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि मीडिया का काम है सही बात बताना, तो हमें सही बात बताने दिया कीजिए। और इस बार सही बात यही है कि नेपाली लोग चीन के ऊपर आंख मूंज कर भरोसा करते हैं, इसलिए चीन यदि नेपाल की भूमि को कब्जा कर भी ले तो वहां की मीडिया और वहां के नेता इतनी आसानी से नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा कि काला पानी के मामले में नेपाल में बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पर हुआ है, लेकिन चीन के मामले में बहुत कम लोगों ने आंदोलन किया, बहुत ही कम लोगों ने। वहीं यदि भारत के खिलाफ आंदोलन करना होता तो लाखों की संख्या में भीड़ जुट जाती है, लेकिन जब चीन के खिलाफ कोई आंदोलन करना होता है नेपाल में तो उसमें 200, 300, 400 लोग ही शामिल होते हैं और ज्यादा नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि आम जनता चीन के ऊपर भरोसा करती है। धन्यवाद।